नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आरके राजपूत। आज आपको लेकर के आया हूं अब्दुल खाने खाना, जो कि अकबर बादशाह के नौ रत्नों में से एक थे। रहीम, जिन्हें जानते होंगे आप, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, ये दोहा आपने बहुत पढ़ा होगा, उन्हीं के आज टॉम पर मैं लेकर के आया हूं आपको। उसकी टाइमिंग के बारे में बताना चाहता हूं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुलता है। और अगर आप अपने परिवार के साथ कोई इतना शांतिपूर्वक कोई माहौल देखना चाहते हैं या वहाँ पर टाइम पास करना चाहते हैं, तो अब्दुल खाने खाना रहीम की टॉम पर ज़रूर आएं। यहाँ पर आपको बहुत ही शांति मिलेगी, अपने परिवार के साथ यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। ये QR कोड है, यहाँ पर आप अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। इस मोनूमेंट में हम अंदर जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में इस मोनूमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वॉल बनाया हुआ है। यहाँ पर आप सभी को टॉम के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। तो चलें आज के इस वीडियो में इस मोनूमेंट का टूर ले लेते हैं। और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी यह वीडियो लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मोनूमेंट के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना टॉम। चलिए ऊपर चल के देखते हैं। बहुत ही साफ सुथरा और शांतिपूर्वक यह टॉम है। यहाँ पर अभी पब्लिक बहुत कम आती है और इतनी शांति है चारों तरफ। और चारों तरफ वही चार बाग शैली है यहाँ पे, जो ताजमहल में है, हुमायूं टॉम में है, आपने शायद मेरे वीडियो में देखी होगी। आप इसके चारों ओर जो बाग बने हुए हैं, इसकी शोभा को और भी बढ़ाते हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना एक लोकप्रिय हिंदी सूफी कवि थे, जो रहीम के नाम से जाने जाते हैं। रहीम मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नौ रत्नों में से एक रत्न थे। यह बैरम खां के पुत्र थे। रहीम भक्ति काल से संबंधित थे और भगवान कृष्ण की स्तुति में हिंदी दोहे लिखा करते थे, जिनके कुछ प्रसिद्ध दोहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। ऐसे ऐसे दोहे उन्होंने, रहीम जी ने लिखे हैं, जो कि हिंदी सूफी कवि रहे हैं, काफ़ी मशहूर हैं हमारे हिंदी जगत में। एक और मैं इनका दोहा पेश कर रहा हूँ आपके सामने। बिगड़ी बात बने नहीं लाख को किन कोए, रहीमन फाटे दूत को मथे ना माखन होए। तो दोस्तों, ये वही रहीम जी हैं जिनके हमने अपनी 5वीं 6वीं 4वीं कक्षा में हमने इनके दोहे पढ़े हैं और इनके चैप्टर में भी इनका नाम आता था। अभी तक आप लोगों को ये दोहे काफ़ी याद होंगे और इनके बहुत सारे दोहे हैं। कभी भी आप इस रहीम के टॉम में आएंगे तो आपको उल्टे हाथ पे मुड़ते ही एक गैलरी, फ़ोटो गैलरी है, यहाँ पर आपको इस टॉम के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और बहुत ही अच्छी नक्काशी की हुई है, इसके अंदर शांतिपूर्वक वातावरण है, चारों तरफ बाग बगीचे हैं, फूल हैं और बिल्कुल शांति वाला वातावरण है। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ रहीम खाने खाना, जो अकबर के एक खास इंसान थे, नौ रत्नों में से एक कह सकते हैं, जिनको उनके मन के अनुसार यहाँ पर उनकी पत्नी के साथ में दफनाया गया था। ये रहीम जी हैं, ये उनकी पत्नी है, दोनों को एक साथ ही यहाँ पर दफन किया गया था। और काफ़ी खूबसूरत मकबरा बना हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल संगमरमर से बना हुआ है और एकदम से शांतिपूर्वक है। ये 71 साल के होकर के इनका देहांत हुआ था और इनकी पत्नी भी इनके साथ में यहाँ पर दफन की गई थी। आप देख पा रहे हैं दोनों की कब्रें एक साथ हैं। इन्होंने अपनी दम जो तोड़ा था 1628 में तोड़ा था और उनकी पत्नी के साथ ही उनको यहाँ पर दफन किया गया है। यह मज़ार यहाँ पर दिल्ली में निजामुद्दीन के पास बनी हुई है। आप देखिए कितना खूबसूरत है ये देखिए, जाली के आते हुए कितना सुंदर है, बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है ये मदरसा, बहुत ही अच्छा मदरसा बना हुआ है, आपका भी नज़ारा देख सकते हैं।
काफ़ी रेनोवेशन किया गया है ASI के थ्रू। इन्होंने बहुत अच्छा रेनोवेशन किया है इसका, और अभी वादी झेलते हुए इसको अच्छा किया गया है। लेकिन यहाँ पर भीड़ बहुत कम है, यहाँ पर भीड़ ना के समान है। आप से गुजारिश है, आप लोग आएँ यहाँ पर और रहीम जी के इस टॉम को देखें। यहाँ पर काफ़ी सुंदर बना हुआ है, जिसमें भी चार बाग का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, जैसे ताजमहल में किया हुआ है या हिमायूं टॉम में किया हुआ है, उस टाइप से यहाँ पर भी चारों तरफ चार बाग का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि इसकी खूबसूरती को बहुत ही बढ़ाता है। अभी मैं अंदर से आपको दिखा रहा हूँ, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा बाहर से इसकी रौनक कितनी सुंदर बना हुआ है ये। और रात में ये लाइट, इसके ऊपर लाइट मारी जाती है तो एकदम मोती की तरह चमकता है, जैसे कमल खिल गया हो रात में। चलिए मैं पूरी दिखाऊँ, चारों तरफ से दिखा दूँ। रहीम जी का ये मकबरा जो है, मुगल बादशाह हुमायूं के मकबरे के पास और सूफी संत हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास और जो भी आसपास में एक निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है उसके बिल्कुल पीछे बीच में ये बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। आप देखेंगे मेरी इस वीडियो में, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आगे शेयर करें।
में अलाउड नहीं है यहाँ पर वीडियो बनाना, मेरे नॉन में है यहाँ पर एक ASI डिपार्टमेंट में, तो मैंने उनसे परमिशन ली है तब जाके मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।